हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से 12वां क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन? ये कह रहा है ब्लैक्स-स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। आहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बट आजकल थोड़ा आउटडेटेड सा चल रहा है। ब्लैक्स-स्कोल्स प्राइसिंग मॉडल क्या कह रहा है कि बेसिकली इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले में अंदर इन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए कि आपको एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, ये सब का ध्यान रखना है। और हम बताएंगे, ये ब्लैक्स-स्कोल्स मॉडल बता रहा है कि मार्केट ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है या इक्वल में चल रहा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू तो आपने आइडेंटिफाई करी, उससे कुछ मत करो, आप हमारे फॉर्मूला में रखो। फॉर्मूला भी अपने सब्जेक्ट में नहीं है, यूजुअली तो डायरेक्टली अपन गूगल करते हैं तो ब्लैक्स-स्कोल्स की प्राइस आ जाती है। तो ब्लैक्स-स्कोल्स ऑप्शन रहता है जो हमको ये बताने में हेल्प करता है कि एक्चुअल में जो वैल्यूएशन है स्टॉक की, हम यहाँ पे किससे पूछ रहा है, अपना इंडेक्स ऑप्शन में पूछ रहा है। तो इंडेक्स जो चल रहा है वो ओवर प्राइस चल रहा है या अंडर प्राइस चल रहा है या फेयर वैल्यू चल रही है, उसके लिए ब्लैक्स-स्कोल्स यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क है, प्रैक्टिकली इसलिए आउटडेटेड चलता है, है ना। ब्लैक्स-स्कोल्स मॉडल आर इंडेक्स ऑप्शन वैल्यूएबल टूल्स फॉर फाइनेंशियल वर्ल्ड्स लेट्स डिलीव द ईच कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोर हाउ दे वर्क टुगेदर। ब्लैक्स-स्कोल्स मॉडल क्या है? थ्योरेटिकल ऑप्शन करता है प्राइसिंग की, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करता है स्टॉक ऑप्शन की बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर। ये सेवरल फैक्टर को कंसिडर करा जाता है और उससे आंसर निकाला जाता है, लाइक स्ट्राइक प्राइस किया है, करंट एसेट्स की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है और टाइम टू एक्सपायरी कितना बचा हुआ है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है और वॉलेटिलिटी क्या है ना। इन सब को चेक करके ये बता देगा कि इसकी जो प्राइस चल रही है वो ओवर चल रही है, अंडर चल रही है, फेयर चल रही है। और इसके एजम्पशन क्या होते हैं कि एज्यूम कॉन्स्टेंट वॉलेटिलिटी। अब ये इसका एजम्पशन ही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वॉलेटिलिटी कहता है कि आज भी इतना ही होने वाला है और दो दिन बाद भी इतनी वॉलेटिलिटी, इतना बाइंग सेलिंग होगा ये माना जाता है। ये डिविडेंड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मार्जिन रिक्वायरमेंट को इग्नोर मार देता है, ठीक है। ये बेसिक इसका लिमिटेशन है। और ये इंडेक्स ऑप्शन में क्या हेल्प करता है हमको? हेजिंग में हेल्प करेगा, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा और बेनिफिट क्या देगा, कॉस्ट इफेक्टिव हेजिंग हमको प्रोवाइड करेगा। अब ब्लैक्स-स्कोल्स एंड इंडेक्स ऑप्शन थ्योरेटिकल वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है ये फेयर वैल्यू पे, अंडर वैल्यू पे है या पोटेंशियली ओवर प्राइज्ड है। ओवर प्राइजिंग में भी ये बता देता है ना। लिमिटेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन जो होता है विद इन स्टॉक ऑप्शन ही करते हैं यूज, कि स्टॉक्स के ऑप्शन को चेक करने में, कॉमोडिटीज अदर मार्केट में इसका ऑप्शन यूजुअली नहीं हो पाता क्योंकि वॉलेटिलिटी हर बार चेंज होती है और वो उसको कंसिडर करता नहीं है। अब बेनिफिट क्या होता है इस ऑप्शन को, ब्लैक्स-स्कोल्स फॉर्मूले को यूज़ करने में, कि एक तो इन्फॉर्म डिसीजन हो जाता है, हमको आइडिया लग जाता है, एक स्ट्रेटजी, हेजिंग की स्ट्रेटजी डेवलप करने में हमको हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट, और इसमें इसके इंपॉर्टेंस कंसिडरेशन क्या है कि मॉडल की लिमिटेशन है, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है बट रियलिस्टिक ग्राउंड पे डिफरेंट होता है। अल्टर वैल्यूएशन के मॉडल्स इसके अवेलेबल हैं जो फार बेटर हैं, इसके ग्रीक मॉडल है। प्रोफेशनल गाइडेंस इसमें रिक्वायर्ड होता है इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। कंक्लूजन क्या है? ये एक अच्छा ऑप्शन है इंडेक्स फंड के एक्चुअल वैल्यूज फेयरनेस पता करने के लिए, यानी कि एक स्टैटिकल अच्छा टूल है, लेकिन हर जगह इंप्लीमेंट करना है पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें इग्नोर करी गई है। सिंपल सी बात है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लैक्स-स्कोल्स ऑप्शन वाला, याद करके जाना। मैं अभी बोल देता हूँ, ब्लैक्स-स्कोल्स लगभग आया हुआ क्वेश्चन रहता है हर साल, और इंटरनल में तो आया ही होगा। देखो, अगर कोई भी मतलब अच्छा एग्जामिनर बनता है तो ब्लैक्स-स्कोल्स वाला तो क्वेश्चन दे ही देता है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, इसका फॉर्मूला आप पूछ रहे होंगे तो उसकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।